एक्सप्रेस 5 - 3i का होल क्यूब इन द फॉर्म a+ib, a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट पहले अपने को एक्सपांशन का फॉर्मूला आना चाहिए क्यूब का, जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, 9th 8th 9th में पढ़ते हैं। एक्सपांशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a - b का होल क्यूब। सर a - b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है? सोचो सब जन, लगा तो 5 सेकेंड के लिए वेट करो, याद करो क्या फॉर्मूला हो सकता है। वीडियो को पॉज करो और फिर आगे कंटिन्यू करो। सर a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। तो a के जगह पे है 5 और b के जगह पे है 3i, b के जगह पे है 3i। चलो इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5³ 3 × 5² × 3i + 3 × 5 × 3i का होल स्क्वायर -3i का होल क्यूब। चलो 5³ आ जाएगा 125, यहाँ आ जाएगा 3 × 25 × 3i, फिर इधर आ जाएगा 3 × 5 × 9i², यहाँ आ जाएगा 27i³। ठीक है सर, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपन। बेटा ये आ जाएगा 125, यहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन देख लो, 3 × 25 × 3 कितना आ जाएगा चेक करो। सर ये आ जाएगा 225i, यहाँ पे 3 × 5 × 9। सर ये आ जाएगा 135, और आई स्क्वेयर का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। आई स्क्वेयर का वैल्यू रहता है -1, इसको कलर दे देता हूँ मैं, आई स्क्वेयर का वैल्यू -1। ओके चलो नेक्स्ट, -27, फिर और एक बार यहाँ पे आई क्यूब का वैल्यू जो है वो आपको आना चाहिए। आई क्यूब का वैल्यू क्या है सोचो? सर वो है -i। चलो ये भी लिख दिया मैंने, हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। 125 -225i, ये -135, और यहाँ आ जाएगा +27i, ये माइनस माइनस प्लस। लाइक टर्म्स देख लो क्या है। सर यहाँ पे लाइक टर्म्स है 125 -135, ये आ जाएगा -10, और -225i +27i, तो ये कितना आ जाएगा? -198i। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। दिस इज a+bi फॉर्म, a+bi फॉर्म। इतना ही सॉल्व करना था अपने को। चलो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट। चलो थैंक यू।